आप अपने वर्ड्स, आप अपने शब्द वापस लीजिए। नहीं लेता। नहीं वो लेता तो बाहर जाइए। बाहर जाइए क्या मतलब? हाँ, नहीं लगा लेता तो बाहर जाइए। कहाँ बाहर जाऊँ? ये सदन से बाहर जाइए। सदन से आप बाहर जाइए। आप ये भी नहीं कह सकते बाहर जाइए। आप ये कह सकते हो कि मैं आपको नेम कर रहा हूँ, अभय सिंह चौटाला को नेम कर रहा हूँ, आप जाइए। आप कोई बात पूछने के लिए खड़े आ जाओ। डार्क जोन आपके पता नहीं क्या नीचे से तकलीफ होती है एकदम से। देखिए कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। मैं कुछ नहीं बोलता। आप भाषा का सही इस्तेमाल कीजिए। गलत भाषा जो है वो ठीक नहीं है। कोई गलत नहीं बोला। मैं आपसे पूछ के बोलूंगा। आपका क्वेश्चन लगाऊंगा ना उस दिन बहुत तकलीफ होगी आपको। हाँ पूछिए पूछूंगा तो पूछिए। वो सवाल जिस दिन लगाऊंगा आप लगाइए। जो मर्जी सवाल लगाइए आप। मंत्री का पक्ष लेकर मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, ना मंत्री का लेता हूँ ना मेंबर का लेता हूँ। मैं निष्पक्ष रूप से जो सदन की कार्रवाई होनी चाहिए। जिस दिन आप निष्पक्ष हो जाओगे देखिए फिर आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। नहीं तो आप निष्पक्ष नहीं है। नहीं मैं निष्पक्षता से काम कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं कर। मैं निष्पक्षता से काम कर रहा हूँ। आप अपने वर्ड्स, आप अपने शब्द वापस लीजिए। आप कह रहे हैं कि तालाबों के सौंदर्यकरण के लिए, वो इसमें कैसे आ जाएगा? उसके लिए तो अलग क्वेश्चन लगाना पड़ेगा आपको। उसकी खुदाई जो है। सौंदर्यकरण के लिए बोल रहे हैं। सौंदर्यकरण के लिए जो पैसा खर्च हुआ है वो तालाबों के सौंदर्यकरण के लिए हुआ है। ये जो आपने पूछा डार्क जोन का, डार्क जोन का अच्छा चलो ना, आपको सौंदर्यकरण से तकलीफ होगी, नहीं होना चाहिए। तो आप ये बता दे मंत्री मुझे कि इसमें तालाब की खुदाई किसको तकलीफ हो रही है? है आपको? नहीं मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ आपको होती है। मेरे को नहीं तकलीफ है। मैं तो मंत्री से पूछ रहा हूँ जवाब। जो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसके ऊपर सप्लीमेंट्री पूछिए, कोई इधर उधर के नहीं। तो सप्लीमेंट्री में लिखा होगा तालाब बड़ा या और कहीं लिखा? पढ़ चले इसको चित्र। मैंने पढ़ लिया। आप क्या पढ़ लिया? सप्लीमेंट्री पूछिए आप। हाँ तो पूछ रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। सप्लीमेंट्री पूछिए। डार्क जोन की कहानी शुरू हो जाएगी। डार्क जोन के बारे में पूछिए सप्लीमेंट। हाँ मुझे ये बता दो कि सप्लीमेंट्री में क्या क्या पूछ सकता हूँ। पढ़ सप्लीमेंट्री में जो डार्क जोन के बारे में आपने पूछा। डार्क जोन के लिए सप्लीमेंट्री पूछिए। वो डार्क जोन के लिए जोड़ की खुदाई करी है कि नहीं करी है? ये लिखा है कि नहीं लिखा है इसमें जवाब में? पढ़े आपने? मैंने पढ़े है। कहाँ पढ़े है? पढ़े होता तो फिर तो रोड़ा ही नहीं है। नहीं पढ़े मैंने। आप मैं कोई बात पूछने के लिए खड़े आ जाऊँ? डार्क जोन आपके पता नहीं क्या नीचे से तकलीफ होती है एकदम से। देखिए कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। मंत्री जी जवाब देंगे कि आप दोगे? आप देखिए मंत्री जी भाषा का सही इस्तेमाल कीजिए। एक बात सुनिए अभय जी, आप भाषा का सही इस्तेमाल कीजिए। गलत भाषा जो है वो ठीक नहीं है। कोई गलत नहीं बोला मैं। आप आपको तकलीफ होती है? मुझे तकलीफ कोई नहीं है। मैं गलत बोलता ही नहीं। आप तकलीफ क्या होता है? आप तकलीफ क्या होती है? मेरे खड़े होते हैं आपको तकलीफ हो जाती है। तकलीफ आपको सारे प्रदेश में आपकी तुतु होती है फिर भी आप पंगा ले बिना नहीं रहते। मैं मेरे सवाल का सप्लीमेंट्री पूछ रहा हूँ। आप पूछे सप्लीमेंट्री में अपना अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देना। आपका क्वेश्चन लगाऊंगा ना उस दिन बहुत तकलीफ होगी आपको। हाँ पूछिए पूछिए। पूछूंगा तो पूछे पूछे। हाँ वो सवाल जिस दिन लगाऊंगा आप लगाइए। जो मर्जी सवाल लगाइए आप। जो मर्जी सवाल लगाइए आप। पूछ रहा हूँ कुछ। कोई सदस्य चेयर के साथ इतनी बहस करे ये कम से कम मैं मानता हूँ पूरे सदन का ही एक प्रकार से उसके अवमान न मानी जानी चाहिए। ये बहस का विषय कभी नहीं होना चाहिए। सदन की बात का एक मर्यादा पूर्वक पालन करना चाहिए। ये जो बहस का विषय ये कभी नहीं करना चाहिए। अगर इसके बाद आगे होता तो इसका संज्ञान लेना चाहिए। चेयर पे बैठे पर्सन को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई मेंबर अगर किसी मिनिस्टर से कोई सप्लीमेंट्री पूछ रहा है तो वो उस मेंबर का पक्ष ले ना कि मंत्री का पक्ष लेकर। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, ना मंत्री का लेता हूँ ना मेंबर का लेता हूँ। आपको इस बात मैं निष्पक्ष रूप से जो सदन की कार्रवाई होनी चाहिए। जिस दिन आप निष्पक्ष हो जाओगे मैं निष्पक्ष करूंगा। देखिए फिर आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं निष्पक्ष नहीं। तो आप निष्पक्ष नहीं है? नहीं मैं निष्पक्षता से काम कर रहा हूँ। बिल्कुल नहीं करते। मैं निष्पक्षता से काम कर रहा हूँ। ये आप अपने वर्ड्स, आप अपने शब्द वापस लीजिए। नहीं लेता। नहीं वो लेता तो बाहर जाइए। बाहर जाइए क्या मतलब? हाँ नहीं लगा लेता तो बाहर जाइए। कहाँ बाहर जाऊँ? ये सदन से बाहर जाइए। सदन से आप बाहर जाइए। आप ये भी नहीं कह सकते बाहर जाइए। आप ये कह सकते हो कि मैं आपको नेम कर रहा हूँ, अभय सिंह चौटाला को नेम कर रहा हूँ, आप जाइए। अभय सिंह
एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, माननीय सदस्य ने जो बिहेवियर आज किया या पिछले रिसेस से पहले के एक मिनट अबे जी, और आपको मैंने नेम किया, आप बात लीजिए। नहीं आफ्ताब जी, एक लिमिट किसी चीज की है जी? इसी सदन में जूता निकाल के आज जिस प्रकार से आपका व्यवहार है, आपके व्यवहार को लेकर के ये बताने की जरूरत नहीं मुझे। जो आपका व्यवहार है उसके कारण मैं आपको नेम कर रहा हूँ। जो आप ये पांच बार जो एलिगेशन लगा रहे हैं बार बार के, तकलीफ होती है, निष्पक्ष नहीं है भाषा का उपयोग। आप मैंने आपको नेम किया, कोई जरूरत नहीं है बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बताने की आवश्यकता नहीं है, आप मार चलिए। हाँ मैंने कहा कि आपका व्यवहार ठीक नहीं है। आप मैंने आपको नेम किया है, आज शाम तक आज के दिन के लिए आपको नेम किया जाता है। हाँ जी, क्या क्या नहीं कर सकता? हाँ तो अब तो आपने कोर्ट में किया, कोर्ट में हो जाएगा जो होगा। हाँ जी, एक मिनट आप एक मिनट मंत्री जी बैठ जाइए। नहीं प्लीज बैठ जाइए, आप बाहर चलिए। मैंने आपको आदेश दिया है, मैंने एक विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते मैंने आपसे कहा है कि आप सदन की यहाँ से बाहर जाइए। हाँ मैंने आपको बताया कि आपका व्यवहार ठीक नहीं है, सदन की मर्यादा के अनुसार नहीं है, सदन की मर्यादा के अनुसार नहीं है। स्पीकर के साथ क्वेश्चन आवर के अंदर आप सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं, बहस नहीं कर सकते। मैंने आपको नेम किया, चलिए बाहर निकलिए, निकालिए बाहर। हाँ जी चलिए चलिए, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बाहर चलिए बाहर चलिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।